नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज या विदलन। विदलन शब्द सबसे पहले कार्ल वॉन बेर ने प्रस्तुत किया था। स्वामरडेम ने 1738 में मेंढक के जायगोट में प्रथम विदलन को ऑब्जर्व किया था। मेंढक के विदलन की विस्तृत जानकारी प्रीवोस्ट एवं ड्यूमोस ने प्रदान की। मेंढक के विदलन के दौरान 48 घंटों में लगभग 37,000 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। मेंढक में विदलन का अध्ययन सेज ने 1953 में किया। कोस्टेलो ने सर्पिल विदलन की जानकारी प्रस्तुत की। निषेचन से उत्पन्न जायगोट एक डिप्लॉयड सेल होती है। इसमें एक कोशिकीय अवस्था द्वारा बहुकोशिकीय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इस दौरान जायगोट में होने वाले क्रमबद्ध समसूत्री विभाजनों को ही हम विदलन कहते हैं। इसमें उत्पन्न कोशिकाएं ब्लास्टोमियर तथा संरचना को हम मोरूला अथवा ब्लास्टुला कहते हैं। विदलन से जायगोट का विखंडन तथा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, अतः इसे हम सेगमेंटेशन अथवा सेलुलेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं विदलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक कोशिकीय जायगोट से बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का विकास होता है। इसमें भ्रूण के आकार व आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। अधिकांश स्पीसीज में विदलन की दर का निर्धारण अंडाणु में संग्रहित mRNA व प्रोटीन द्वारा होता है। विदलन से उत्पन्न ब्लास्टोमियर का आकार लगातार घटता जाता है। विदलन से पूर्व जायगोट में केंद्र कोशिका द्रव्य का अनुपात कम होता है। लगातार कोशिका द्रव्य के कोरक खंडों में वितरण से प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य घटता जाता है, अतः केंद्र कोशिका द्रव्य का अनुपात बढ़ता जाता है। प्रारंभिक विदलन विभाजन सिंक्रोनस या तुल्यकालिक होता है, जबकि लेट क्लीवेज वो एसिंक्रोनस एंड इररेगुलर होते हैं। दो विदलनों के मध्य की इंटरफेज छोटी होती हैं। G1 व G2 अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, जबकि एस फेज या सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेशन के द्वारा DNA का संश्लेषण किया जाता है, अतः विदलन रैपिड गति से होता है। इस दौरान DNA द्वारा mRNA का संश्लेषण नहीं किया जाता है, क्योंकि DNA स्वयं की रेप्लिकेशन में व्यस्त रहता है, अतः ऊजेनेसिस के दौरान इन्फॉर्मेशन में संग्रहित मैसेंजर RNA का उपयोग ही किया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि होती है, अतः ऑक्सीजन में कमी व CO2 में अधिकता से विदलन मंद हो जाता है। ट्यूबुलिन में राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन द्वारा माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण किया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, जैसा कि नाम से ही होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइडेज में उपस्थित राइबोज पेंटोज शुगर के carbon-2 से ऑक्सीजन हटाकर इसे deoxyribonucleotidase में अपचयित करता है। विदलन द्वारा उत्पन्न ठोस बहुकोशिकीय संरचना को हम मोरूला कहते हैं। मोरूला शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मलबेरी या सहतूत। मोरूला में कैविटी का निर्माण होने से ही हम इसे ब्लास्टुला कहते हैं। सभी जंतुओं में मोरूला अवस्था नहीं पाई जाती है। ब्लास्टुला में उपस्थित गुहा को ही हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और मोरूला व ब्लास्टुला के निर्माण को क्रमशः मोरुलेशन और ब्लास्टुलेशन कहते हैं। विदलन की दर पीतक की मात्रा के रिवर्सिबल या व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम पढ़ते हैं विदलन की दर या क्लीवेज रेट। विदलन दर सामान्यतः समसूत्री विभाजन से अधिक होती है, क्योंकि विदलन के दौरान केवल DNA का संश्लेषण ही किया जाता है। DNA से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर RNA का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि MPF की छोटी इकाई जो प्रोटीन काइनेज के समान कार्य करती है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम को फास्फोरिलेशन द्वारा इनहिबिट करती है।
सभी जंतुओं में विघटन की दर भिन्न भिन्न होती है। मेंढक में जायगोट से 43 घंटे में लगभग 37,000 कोशिकाएं डेवलप हो जाती हैं, जबकि ड्रोसोफिला में 12 घंटे में 50,000 कोशिकाओं का निर्माण होता है। बालफोर के अनुसार विघटन दर का निर्धारण पितक की मात्रा द्वारा किया जाता है। पितक की मात्रा बढ़ने पर विघटन मंद हो जाता है, अतः एलेसिथल व माइक्रोलेसिथल एक में विघटन की दर पॉलीलेसिथल अंडों से अधिक होती है। गोल्डफिश, फ्रॉग व चूहों में विघटन की दर प्रति 20 मिनट, 1 घंटा तथा 10 घंटे के नियमित अंतराल पर होती है। प्रारंभिक विघटन तीव्रता से होते हैं, तत्पश्चात विघटन मंद हो जाता है। विघटन की दर का निर्धारण साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के द्वारा किया जाता है। अंडे में पूर्व में संग्रहित मैसेंजर आरएनए व प्रोटीन इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि विघटन के दौरान ओटू की खपत में वृद्धि होती है, अतः ओटू की आपूर्ति से विघटन दर प्रभावित होती है। विघटन दर का निर्धारण कुछ हद तक तापमान द्वारा भी किया जाता है। विघटन दर तापमान के समानुपाती होती है, अतः तापमान वृद्धि से विघटन तीव्र होता है। विघटन का प्रारंभ विघटन खाँच या क्लीवेज फरों के निर्माण से शुरू होता है। ये विघटन खाँचे जायगोट को विभिन्न कोणों पर विभाजित करती हैं। इस आधार पर विघटन तल अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लेते हैं मेरिडोलियन प्लेन या रेखांशिक तल। इस प्रकार का विघटन तल जो जायगोट को एनिमल वेजिटल एक्सिस पर केंद्र से होता हुआ गुजरे उसे हम रेखांशिक तल या मेरिडोनियल प्लेन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार का विघटन तल भ्रूण के प्राणी पित्तक ध्रुव या एनिमल वेजिटल पोल से गुजरता है, जिससे दो समान ब्लास्टोमियर का विकसित होते हैं। मेंढक में प्रथम व द्वितीयक विघटन रेखांशिक तल पर तथा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। दूसरा हम लेते हैं वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल। इस प्रकार का विभाजन तल जायगोट के प्राणी ध्रुव से पितक ध्रुव की ओर गुजरता है, परंतु भ्रूण के केंद्र से नहीं गुजरता, अर्थात मेरिडोनियन प्लेन के समानांतर होता है। इस प्रकार एक बड़ी व एक छोटी ब्लास्टोमियर उत्पन्न होती है। चूजों में तीसरा तथा मेंढक में चौथा विघटन वर्टिकल प्लेन पर होता है। एम्फियोक्सिस, एमिया या लेपिडोस्टिशियस में इस प्रकार का विघटन तल देखा जा सकता है। विषुवतरेखीय तल या इक्विटोरियल प्लेन। इस प्रकार के तल में विघटन खाँच या क्लीवेज फरो एनिमल वेजिटल एक्सिस के समकोण पर परपेंडिकुलर तथा केंद्र से गुजरती है, जिससे एक कोशिका एनिमल पोल की ओर तथा दूसरी वेजिटल पोल की ओर उत्पन्न होती है। इस प्रकार विघटन तल के समान आकार की कोशिकाएं उत्पन्न होती है। एम्बायोस्टोमा में पांचवा तथा हायर मैमल्स में प्रथम विघटन इसी तल पर होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं लैटिट्यूडनल प्लेन या अक्षांशीय तल। यदि विघटन खाँच प्राणी पीतक अक्ष के समकोण से परंतु केंद्र से नहीं गुजरती है तो इसे हम अक्षांशीय विघटन तल कहते हैं। इस प्रकार का तल विषुवतरेखीय तल से ऊपर यानी कि इक्विटोरियल प्लेन से ऊपर एनिमल पोल की ओर अथवा नीचे वेजिटल पोल की ओर ही हो सकता है। जैसे मेंढक में तृतीयक विघटन एनिमल पोल की ओर अक्षांशीय तल या लैटिट्यूडनल प्लेन पर होता है। एम्फियोक्सिस में तृतीयक विघटन द्वारा एक छोटी व एक बड़ी कोशिका उत्पन्न होती है। विघटन तल का निर्धारण स्पिंडल द्वारा या तर्कों के द्वारा किया जाता है। विघटन खाँच सदैव तर्कों या स्पिंडल के समकोण से गुजरती है। पितकीय अंडों में स्पिंडल की स्थिति का निर्धारण योग के द्वारा या पितक के द्वारा किया जाता है। स्पिंडल सदैव योग की विपरीत दिशा में सक्रिय प्राणी ध्रुव में बनता है। विघटन खाँच कभी भी पितक ध्रुव या वेजिटल पोल से प्राणी ध्रुव की ओर नहीं गुजरती है। जब स्पिंडल या तर्कु
प्राणी पीतक या एनिमल वेस्ट गैलेक्सीज के समकोण पर तथा केंद्र पर उपस्थित होता है तो विदलन सदैव स्पिंडल के समकोण पर अर्थात एनिमल वेजिटल अक्ष पर होता है अर्थात रेखांशिक तल या मेरिडोनियल प्लेन पर ही होता है। अब हम देखते हैं कि मैमल्स में विदलन की क्या क्या विशेषताएं होती है। जंतु जगत में विदलन सबसे मंद गति से होता है। मैमल्स जायगोट जंतु जगत में सबसे छोटा होता है। इसमें विषम संख्या में ब्लास्टोमियर्स उत्पन्न होते हैं। अर्ली क्लेवेज भी एसिंक्रोनस होता है। मैमल्स जीनोम प्रारंभिक विदलन में ही एक्टिव हो जाता है। तृतीयक विदलन के पश्चात ब्लास्टोमियर से संगठित होने का गुण कॉम्पेक्शन उत्पन्न करता है। ब्लास्टोमियर्स आपस में जुड़कर टाइट जंक्शन से जुड़ते हैं तथा एक गेंदनुमा संरचना बनाते हैं। अंडवाहिनी में माइग्रेशन के दौरान 16 सेल सॉलिड मोरूला विकसित होता है। मोरूला में भीतर छोटी छोटी कोशिकाएं तथा परिधि की ओर बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है जो बाहरी बड़ी कोशिकाएं ट्रोफोडर्म बनाती हैं जिससे प्लेसेंटा के कोरियोन का विकास होता है और भीतरी कोशिकाएं जो होती हैं वो भ्रूण को विकसित करती हैं। अब हम देखते हैं विदलन का महत्व या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक कोशिकीय जायगोट से बहु कोशिकीय भ्रूण का विकास विदलन के द्वारा ही होता है। विदलन से उत्पन्न ब्लास्टोसेल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को प्रेरित करती हैं। ब्लास्टुला द्वारा संभावित भ्रूणीय भागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ब्लास्टुला के निर्माण की तैयारियाँ भी की जाती हैं। धन्यवाद।